सृष्टि शुक्ला खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की हुकार, 26 जनवरी को किसान परेड को निकालने का ऐलान, आउट दिल्ली के रास्ते में एंट्री की तैयारी। भोपाल के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, जमीन विवाद केस में जीत के बाद बाउंड्री वॉल बनवा रहा है आरएसएस, 3 कॉलोनियों का छावनी बने। मध्य प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन लगेगी कोरोना वैक्सीन, पहले दिन पूरा नहीं हो पाया वैक्सीनेशन का टारगेट, सरकार ने कसी कमर। अवैध शराब के खिलाफ एमपी में एक्शन, सीएम के विधानसभा क्षेत्र में बुधनी में अवैध शराब का कारोबार, 9 शराब तस्कर अरेस्ट। रीवा के ढियरिया गांव में पुलिस टीम पर हमला, पथराव में 6 पुलिसकर्मियों को आई चोट, शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई थी टीम। बैतूल में माचना नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, माचना नदी के किनारे खेलते समय हादसे से बच्चों के घरों में मचा कोहरा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की जा रही है, ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाने वाले को सुविधा हो जाए। गुजरात के अलावा देश के 6 राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से केवड़िया के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है, इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है, इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से इतने जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज केवड़िया के लिए निकल रही ट्रेनों में एक ट्रेन कुर्ची तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी आ रही है। ये भी सुखद संयोग है कि आज भारत रत्न एमजीआर की जयंती भी है। एमजीआर ने फिल्म स्क्रीन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रीन तक लोगों के दिलों पर राज किया। उनका जीवन, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी। गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले, इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया। भारत रत्न एमजीआर के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एमजीआर के नाम पर किया था। मैं भारत रत्न एमजीआर को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज केवड़िया का देश की हर दिशा में, हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है।
और आज जब इस रेलवे के कार्यक्रम से मैं जुड़ा तो कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजा हो रही। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बड़ौदा और डभोई के बीच में नैरोगेज रेलवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का अवसर रहता था। माता नर्मदा के प्रति मेरा एक जमाने में बड़ा विशेष आकर्षण रहता था, मेरा आना जाना होता था। जीवन के कुछ पल मां नर्मदा की गोद में बिताता था और उस समय इस नैरोगेज ट्रेन से हम चलते थे। और ये नैरोगेज ट्रेन का मजा ये था कि नए अवसर भी लेकर आए। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे करनाली, पोईचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी कनेक्ट करे। और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ क्षेत्र है। साथियों, मुझे याद है जब शुरू में केवड़िया को दुनिया का बेहतरीन फैमिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की जाती थी तो लोगों को ये सपना ही लगता। लोग कहते थे ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इस काम में तो अनेकों दशक लग जाएंगे। खैर, पुराने अनुभव के आधार पर उनकी बातों में तर्क भी था। न केवड़िया जाने के लिए चौड़ी सड़कें, न उतनी स्ट्रीट लाइटें, न रेल, न टूरिस्टों को रहने के लिए बेहतर इंतजाम, रहने के लिए पूरा टेंट सिटी है, अन्य अच्छे इंतजाम है, बेहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी है, अच्छे अस्पताल हैं, कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविधा शुरू हुई है और आज देश के इतने सारे रेल रूट से केवड़िया एक साथ जुड़ गया। ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रूप में सेवाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की गई ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वाले केवड़िया जाने वाले लोगों को सुविधा हो जाए। इस दौरान सीएम शिवराज ने भी पीएम मोदी का आभार जताया और क्या कुछ कहा दिखाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। रीवा से केवड़िया, केवड़िया आधुनिक तीर्थ बन गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिन सरदार पटेल ने पूरे देश को एक किया, उनके स्टैचू से पूरे देश को भारतीय रेल ने अब जोड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। वैसे भी लाखों श्रद्धालु और पर्यटक केवड़िया जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने, और अद्भुत केवल पर्यटक स्थल नहीं, प्रेरणा स्थल के नाते केवड़िया का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को भी सौभाग्य मिलेगा। पुराने भोपाल इलाके में जमीन विवाद मामले को लेकर के रविवार को 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मामला कबाड़खाना इलाके में एक जमीन पर बाउंड्री निर्माण से जुड़ा हुआ है। हनुमानगंज के टीआई महेंद्र सिंह ने बताया कि इलाके में 30,000 वर्ग फीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। इस इलाके में संघ का संभागीय कार्यालय केशव निडम स्थित है और इसी के पास से जमीन से जुड़ा मामला है। कुछ लोगों ने जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया, इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। संघ के पक्ष में फैसला आने के बाद वहां बाउंड्री वॉल बनवाई जा रही है। विवाद की आशंकाओं को देखते हुए 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नवनियुक्त पदाधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यवस्थाएं पार्टी के द्वारा तय की गई है। मेरा
किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने गृह ग्राम बारंगा जिला हरदा में चल रही संत सिंगाची महाराज की परचूरी पुराण कथा का श्रवण किया है। आपको बताते चले, कथावाचक ललित जी महाराज के मुखारवंद से चल रही कथा की गादी पीठ की पूजा अर्चना के साथ आरती के साथ ही कथा के समापन पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा, खेरकिया जनपद उपाध्यक्ष एवं युवा कांग्रेस नेता सुदीप पटेल ने भी कथा का श्रवण किया है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित थे। जिला अस्पताल सीधी को सांसद रीति पाठक ने दो एम्बुलेंस की सौगात दी है। सांसद रीति पाठक, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बताते चला है, ये सौगात जिला अस्पताल के लिए एक बड़ी देन के रूप में साबित होगी। वहीं उपस्थित रहे कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल प्रबंधक को अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जीएम सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के विधायक जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया मैहर पहुंचे, जहां पर उमाकांत उपाध्याय व मंटू भैया के नेतृत्व में जोरदार उनका स्वागत किया गया। वहीं स्वागत के बाद राजा भैया रामपुर में दर्शन के लिए गए। उसके पश्चात मां शारदा मंदिर पहुंचे, जहां मां शारदा के दर्शन करने के उपरांत लोगों से मुलाकात करी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी जनसत्ता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय करना है, उसके पश्चात जल्द ही मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। बाल्यकाल में पिताजी के साथ बहुत पहले आने का सौभाग्य मिला था और तब से निरंतर माँ की कृपा बनी है और आते रहते हैं दर्शन करने। सपरिवार भी आते हैं और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी आते हैं। जैसे तो सौभाग्य है कि आपकी पार्टी स्वयं की है जी, और मैहर में भी आपके बहुत ही चाहने वाले हैं जी, तो क्या उसका कुछ है? अब पहले हम लोग यूपी में पूरा गठन पूर्ण कर लें। एक तो कोविड के कारण विलंब हुआ इसमें जी जी, और मैहर के सभी शुभ चिंतकों को हमारे सादर प्रणाम, और देखिए निकट भविष्य में अवश्य जी जी। भैया हमारे एमपी के सीहोर में अवैध शराब का काला कारोबार बस्तूर जारी है। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में उनकी नाक के नीचे ही अवैध शराब के ढरल्ले से बिक्री की जाती, जिसके खिलाफ जिला प्रशासन ने रविवार को बड़ा अभियान चलाया। सीहोर जिले में अवैध शराब बनाने, बेचने और परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान में बुधनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम जमोनिया के जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। सर्चिंग के दौरान जमोनिया के जंगल में अवैध शराब बनाने का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। जंगल में पुलिस को अलग अलग स्थानों पर लगभग 150 लीटर देशी शराब जब्त की गई है। भारी मात्रा में कच्चे माल के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। खबर रीवा के नई गढ़ी थाना अंतर्गत ढीया गांव से, जहां पर अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस बल पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बताते चले, ढीया गांव में अवैध शराब बिक्री को लेकर के पुलिस को बार बार शिकायत मिल रही थी, जिस पर मऊगंज एडिशनल एसपी एसडीओपी सहित आसपास के थानों से कुल 44 पुलिसकर्मी अवैध शराब पकड़ने के लिए नई गढ़ी थाना क्षेत्र में गए हुए थे, जहां 3000 किलो महुआ और 50 किलो कच्चा माल जिसे पुलिस ने जब्त करके ले जाने लगी, तो आसपास की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गए, वहीं पत्थरबाजी से पुलिस पीछे हट गई। पुलिस के द्वारा 210 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और जो कुछ आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है।
हाँ, ये जैसा कि आप लोग सभी को विदित है कि मुरैना क्षेत्र में जो जहरी शराब के सेवन से काफ़ी लोगों की जान गई थी, उस संबंध में माननीय शासन के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, उसी निर्देशों के पालन में हमारे क्षेत्र में नईगढ़ी थाना है वहाँ पर डीहा गांव है जहाँ पर इस तरह की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। पहले भी वहाँ पर दबिशें हुई हैं, पुलिस के द्वारा ये प्लान करके हमारे एडिशनल एस पी महुगंज है। मुरैना जिले के दमनी विधानसभा के छीछावाली गांव में शराब पीने से दो लोगों की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने मुरैना अंबाहर रोड के बड़ा गांव चौराहे पर जाम लगा दिया। वहीं दमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली गई। वहीं पीड़ित परिवारों को कार्रवाई का आश्वासन दे करके मामला शांत करवाया गया। मुरैना में शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई का मामला सामने आया, जहां पर जहरीली शराब माफिया के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया, जिसमें छेरा गांव में 10,000 का इनामी मुकेश किरार व नीरज किरार के रिहायशी मकान तोड़े गए। आपको बताते चलें, जौरा एसडीएम नीरज शर्मा और केलार लर्स शशि भूषण एसडीओपी सहित पुलिस प्रशासन इस मौके पर वहां पर मौजूद रहा। खबर भोपाल से, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वालों को साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी फर्जी कॉल सेंटर का संचालन करते थे और फेक वेबसाइट बना करके गूगल ऐड के माध्यम से नौकरी के लिए विज्ञापन देते थे। जब कोई व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर फॉर्म सबमिट कर देता था, तब कॉल सेंटर से फोन करके आरोपी ऑनलाइन इंटरव्यू लेते थे, जिसके बाद संस्थानों में नौकरी दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर धोखाधड़ी से राशि ट्रांसफर करवा ली जाती थी। सिंगरौली जिले के सराई संकोल अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय इटमा में समूह संचालक के द्वारा कई मासूम बच्चों का निवाला पर भ्रष्टाचार करने की पोल बच्चों ने खोली है। आपको बताते चले, इस स्कूल में मध्याह्न भोजन वितरण में समूह संचालक से लेकर के शिक्षक महिला बाल विकास देवसर तक की मिली भगत से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस स्कूल में एक वर्ष से कोरोना राहत सामग्री एवं माध्यान्ह भोजन वितरण सिर्फ केवल कागजों में संचालित हो रही है और बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, और समूह संचालक इतना दबंग है कि समूह के सदस्यों को दरकिनार करते हुए अपना अकेले बिना डरे भय के मनमानी तरीके से माध्यान्ह भोजन वितरण करता है, जिसमें इस समूह संचालक की शिकायत नहीं शिक्षक इसकी शिकायत नहीं करते हैं, और वहीं निंडोरी कोतवाली पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करी है। कोतवाली पुलिस को जागरूक नागरिकों के द्वारा सूचना दी गई कि एक महिला चाट की दुकान के पास बैठ करके घंटों से ठंड में कांप रही है। कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सब इंस्पेक्टर आरक्षक को महिला के पास भेजा, जहां ठंड में महिला कांप रही थी। पुलिस के द्वारा जानकारी लेने के बाद महिला कुछ भी नहीं बता पाई। पुलिस ने मानवता दिखाते हुए महिला को गर्म कपड़े दिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला की के बारे में उसके बाद महिला को इनके परिजनों के पास भेजने की व्यवस्था कोतवाली पुलिस के द्वारा की जाएगी। जानकारी के अनुसार महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मंडला में लगातार पक्षियों की मौत और अब पोल्ट्री फार्मों में कड़कनाथ की मौत से लोग दहशत में आ गए। अब तक पूरे जिले में 59 पक्षियों की मौत हो गई है, तो वहीं 27 कड़कनाथ की मौतों से पशुपालन विभाग में भी सकते में आ गया। आपको बताते चले, बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिले के विभिन्न इलाकों में पक्षियों की मौतों का क्रम जारी है, जिसमें केवल कौवे ही नहीं बल्कि अन्य पक्षी भी शामिल है। आज पशु विभाग को सूचना मिली कि देवरी दादर में एक पोल्ट्री फार्म में 27 कड़कनाथ की मौत हो चुकी है। प्रशासन इसे गंभीर विषय मानकर घटनास्थल पर पहुंचता और जांच की, तो मौके पर कड़कनाथ मृत पाए गए। टीम पूरे पोल्ट्री फार्म की जांच कर रही है और
पीपीई किट पहन करके मृत कड़कनाथ की घटना स्थल पर जांच की गई, जिसमें मृत तीन कड़कनाथ के सैंपल ले लिया गया और बाकी मृत कड़कनाथ को डिस्पोज कर दिया गया। पक्षियों की मौतों पर अब कड़कनाथ की मौतों के सैंपल भेज दिए गए हैं और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मौत आखिर क्यों हुई है। भिंड में पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने एक बार फिर से मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए बरहोई के सेमरपुरा गांव में दबिश दी है। पुलिस को भारी मात्रा में मिलावटी घी साथ के घातक केमिकल भी जब्त किए गए हैं। आपको बताते चले पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में भी लिया, जिसमें उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। तार मिलावट पे कार्रवाई की जा रही है और इसी चरण में एसओ बरोही को सूचना मिली थी कि मिलावट सहरपुरा गांव में कुछ मिलावट की जा रही है और दूध के साथ अमानक तत्व मिलाए जा रहे हैं। उसी आधार पर उपयोग की सूचना को क्लियर करते हुए आज बरोही के सहरपुरा में कार्रवाई की गई है, जिसमें भारी मात्रा में अमानक पदार्थ भी मिले हैं और दूध क्रीम अभी मिली है। एक अच्छी बात ये रही कि इसमें मौके पर ही यूरिया भी बरामद हुई है, जो पिछली कार्रवाइयों में अभी तक नहीं मिली थी। सिंगरौली एनसीएल मैदान विलौजी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंगरौली में 2024 तक हर गरीब को पक्के आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंगरौली का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने 276 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से 504 हितग्राहियों को नए आवास की चाबी भी बांटी। मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन करके बेटियों को सम्मानित किया। मुरैना झोले के छहरा गांव में जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मृतकों के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से चर्चा करके ढांढस बांधते हुए कहा कि मैं संकट के इस समय में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मैंने हमेशा से कहा है कि चाहे सुख के समय में आपके बीच ना आया हूँ, लेकिन संकट के समय में आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहूंगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि घटना के दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही साथ शीघ्र पुलिस चौकी भी स्थापित कर दी जाएगी। उन्होंने अपनी ओर से मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए देने की बात कही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।